चीन ने डोकाला के नजदीक दोबारा बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती कर दी। आपको बता दें कि जून में इसी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गतिरोध शुरू हुआ था, जो 73 दिनों के बाद कूटनीतिक माध्यम से हल हुआ था। लिहाजा चीन एक बार फिर डोकलाम मामले को गरमाने में लगा है। इस साल के शांति नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इस बार आईसीएन को इस सम्मान के लिए चुना गया है। यह संस्था परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चलाती है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो पहले आईआईटी गांधीनगर की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक सभा को संबोधित भी करेंगे। मथुरा में मोहन भागवत के काफिले की गाड़ी आपस में टकरा गई। गाड़ी का टायर फटने से हादसा हुआ, हालांकि मोहन भागवत सुरक्षित। राजस्थान के झालावाड़ में आयोजित की जा रही किसान पदयात्रा के दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी एक सुरक्षा गार्ड से अपने जूते खुलवाते दिखाई दे रहे हैं। पंचकुला पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा की 45 सदस्यीय मैनेजमेंट कमेटी को नोटिस भेजा है। पंचकुला में हुई 25 अगस्त की हिंसा के मामले में नोटिस भेजा गया। जनपद संभल के गुन्नौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजीत राजू यादव ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। ऋण मोचन कार्यक्रम में बीजेपी विधायक ने कहा कि अधिकारी लेखपाल और पुलिस 15 दिनों में सुधर जाए, नहीं तो मुर्गा बनाकर पैसा वसूल लिया जाएगा। मेरठ में ललियाना मेले में उपद्रवियों ने बवाल काटा है, जहां उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। ललितपुर में ट्रैक्टर और ट्रॉली की भीषण टक्कर हुई, हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। भदोही में कुएं में गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। बलरामपुर में विवाहिता के ससुराल और मायके वालों में मारपीट हो गई, धारदार हथियार से हुए हमले में 5 लोग जख्मी हो गए। कुशीनगर में बदमाशों का आतंक जारी है, सराफा व्यापारी के पिता और बेटे को गोली मार दी है, बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, पैसे से भरा बैग लेकर भी बदमाश फरार। मुजफ्फरनगर में सिपाही पर लोहे की रॉड से हमला बोला गया है, जिस हमले में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया है, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। बाराबंकी के बदोसराय कस्बे में घर से स्कूल के लिए निकली 9वीं क्लास की छात्रा के लापता होने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि छात्रा घर से रोज की तरह सुबह 7 बजे कोचिंग के लिए और स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। अलीगढ़ में स्कूल से गायब छात्र बरेली जंक्शन पर बरामद हुआ। आपको बता दें कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को आरपीएफ ने बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बरामद किया। रामनगर अस्पताल में संयुक्त संघर्ष समिति ने एक दिवसीय धरना दिया और प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्तिक की शुरुआत के साथ ही दीपदान किया गया, लेकिन एक अलग और खास मकसद से। इस दौरान सेना के जवानों ने आकाशदीप जलाकर देश के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी।